Assalamu alaikum students, this is Sir Abid Kazmi and I am recording this video so that I can explain you about the instruction of your coming assignment which is about right angled triangle. तो राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली आपने लोअर ग्रेड्स पे भी पढ़ा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है. अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल विच इज अ 90 डिग्री एंगल, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तीन में से जो एक इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री का हो, तो ऐसे राइट एंगल को, ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं कि वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. ठीक है. सो और जो आपने ये बहुत देखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं. हम आगे के असाइनमेंट्स में भी ये चीज़ देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल कितना यूजफुल है और कितना रियल लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं असाइनमेंट में, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैम. के कुछ स्पेशल केसेस हैं, एक ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दो एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री हो, तो ये भी एक बड़ा यूजफुल ट्राइंगल कहलाता है. और एक ये वाहिद है जो आइसोसेलस राइट एंगल्ड ट्राइंगल है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल है और एक 90 डिग्री का एंगल भी है, तो ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल भी है. तो ये वाहिद है कैटेगरी जो राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलस ट्राइंगल भी है. तो ये बहुत यूज़फुल होता है ग्राफिक आर्टिस्ट में, या कारपेंटर्स इसको यूज़ करते हैं, इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स इसको बहुत यूज़ करते हैं इस ट्राइंगल को. सर ये सिमिलरली इसी तरह एक और स्पेशल केस है जिसके अंदर आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं 90, 60 और 30. तो जाहिर है आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. तो ये ट्राइंगल भी बड़ा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल्स लॉन्गेस्ट साइड टू इट्स शॉर्टेस्ट साइड इज 2:1. मतलब अगर इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी साइड हो और सबसे छोटी साइड हो, वो हमेशा एक दूसरे के, मतलब छोटी साइड से डबल होगी जो सबसे बड़ी साइड होगी, या यूं कह लीजिए जो सबसे छोटी साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड का हाफ होगी. तो ये भी बड़ा यूजफुल है, ये भी बिल्डिंग की एप्लीकेशंस के अंदर या डिज़ाइनिंग में, ड्राइंग में इसका बड़ा यूज़ किया जाता है. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ये ट्राइंगल्स ऐसे दिए जाते हैं, लाइक अ प्रोटेक्टर, जो डी आप जिसको कहते हैं, उस तरीके से भी ट्राइंगल्स भी कुछ दिए जाते हैं, स्क्वायर सेट्स कहलाते हैं, वो भी इन डायमेंशन के ट्राइंगल्स होते हैं क्योंकि ये इट सेल्फ कुछ बहुत यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में. तो बहरहाल कुछ एग्जाम्पल्स मैंने स्टार्ट में दी हैं वो आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल के बाद आपका जो टास्क है वो है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा टास्क है. लेट्स सी द हिडन सीक्रेट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं, वो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इस असाइनमेंट में. और उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कि आपको कुछ ट्राइंगल्स बनाने हैं, ठीक है, और उन ट्राइंगल्स को बनाने के लिए सिर्फ आपको उन ट्राइंगल्स की बेस गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर. इसी तरह से हर ट्राइंगल की आपको बेस और हाइट गिवन है. सो इस बेट और हाइट की मदद से आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं. पहला तो आप ये करेंगे कि ट्राइंगल्स बनाएंगे, और यहाँ पे हिंट भी मौजूद है, जस्ट ड्रॉ द बेस एंड हाइट एंड देन ड्रॉ द थर्ड लेग अ स्ट्रेट लाइन टू मेक द ट्राइंगल. अगर आप हाइट, और मैं आपको अभी ये करके दिखाऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर, कि जब आप बेस और हाइट बना लेंगे तो जाहिर है कि उनकी आप उनके एंड पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो थर्ड लेग होगा या थर्ड जो साइड होगी उस ट्राइंगल की, वो आप बना सकते होंगे और आपका ट्राइंगल बन जाएगा. उस ट्राइंगल को बनाने के बाद ये एक टेबल गिवन है जिसको आपको फिल करना है, और उसके बाद कुछ सवालात हैं, उसके जवाब बहुत आसानी से आप दे लेंगे जब आप ये टेबल फिल कर लेंगे. तो चलें अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से काम करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है. पहली इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग द बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर. ये इंस्ट्रक्शन है कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी जो बेस हो वो 3 सेंटीमीटर हो और उसकी जो हाइट हो वो 4 सेंटीमीटर हो. तो जाहिर है कि अब आपको सेंटीमीटर में बेस और हाइट लेनी है, सो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा रूलर, जिसको हम स्केल कहते हैं, सेंटीमीटर जिसके अंदर मेंशन हो वो आपको सिंपल चाहिए होगा, और कुछ नहीं चाहिए आपको इस असाइनमेंट के लिए, सिर्फ स्केल या रूलर जिसका सही वर्ड है वो आपको चाहिए होगा, ताकि आप उस डायमेंशन की, उस मेजरमेंट की ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकें. ठीक है, सो पहले आपके पास क्या है कि आपको बेस ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की, के बेस होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर. तो सिंपली आप इस रूलर को रखेंगे
और 3 सेंटीमीटर तक की लाइन यहाँ तक आप देखें मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास उस ट्राइंगल की बेस हो गई। उसके बाद हमें इस ट्राइंगल की हाइट मेजर करनी है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप इस स्केल को यहाँ इस तरह वर्टिकल रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से और ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सो नाउ इट हैज बिकम आवर हाइट ऑफ द ट्राइंगल विच इज ऑफ 4 सेंटीमीटर्स, राइट। तो ये काम इजीली आप ये दोनों ड्रॉ कर लेंगे, आपके पास बेस और हाइट ट्राइंगल की आ गई, सही है। अब आपके पास जब ये दो चीजें आपने ड्रॉ कर ली तो जाहिर है कि आप इन दोनों एंड पॉइंट्स को आप इजीली ड्रॉ कर सकते, कोई भी स्केल लेके आप इन दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, स्केल लेके जोड़ लीजिए, जो भी इसकी मेजरमेंट हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमें बेस जो गिवन है उसकी हमें मेजरमेंट स्केल से मेजर करनी है और हाइट भी जो सवाल में गिवन है हमें वो ही मेजर करनी है। हाइट और बेस के बाद जस्ट हम एंड पॉइंट्स को जोड़ेंगे, जो भी इस लेंथ की, जो भी इस लेग की जो भी मेजरमेंट है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल बन चुका है। अब हम चलते हैं कि अब हम इस ट्राइंगल की मदद से उस टेबल को किस तरह फिल करेंगे। जो टेबल आपके सामने मैं दोबारा दिखाऊं कि अब हमने ट्राइंगल बना लिया पहला ट्राइंगल, इसी तरह से आपको दो और ट्राइंगल्स बनाने, तो आप वन बाय वन बना लीजिएगा इसी तरह जिस तरह हमने पहला बनाया है। सेकेंड, अब हमें उन ट्राइंगल्स की मदद से इस टेबल को फिल आउट करना है। ठीक है, सो चलें टेबल को फिल करते हैं। ये हमारे पास टेबल है जो फिल करना है। पहले आप 3 जो कॉलम इसके नजर आ रहे हैं वो मेजरमेंट्स के हैं। मेजरमेंट ऑफ लेग 1 जिसको हमने बेस कहा है, मेजरमेंट ऑफ लेग 2 जिसको हमने हाइट कहा है, और मेजरमेंट ऑफ लेग 3 जो थर्ड लेग आई है इसकी मेजरमेंट जो भी आ रही है। लेग 1 मतलब बेस की मेजरमेंट तो सवाल में ही गिवन थी, आपको पता है आपने ये 3 सेंटीमीटर का बनाया है तो आपने लिख दी। इसी तरह 4 सेंटीमीटर हाइट सवाल में भी थी और हमने बनाई भी है, ड्रॉ की है, सो वो भी हमने ऐसे ही लिख दी। अब जब हमने इन दोनों को पुट किया तो थर्ड लेग जो भी आई थी हम उसको मेजर करेंगे। अब हम सब इसको इधर स्केल रखेंगे इस तरीके से और इसकी जो भी हाइट आए, 10 आए, 5 आए, 2 आए, जो भी आए हमें सिंपल देखना है। और इसकी हाइट क्या आ रही है, सॉरी इस लेग की मेजरमेंट आ रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हम इस थर्ड लेंथ की जगह लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि हमने बेस और हाइट तो हमें सवाल में गिविन थी लेकिन ऑटोमेटिकली जो थर्ड लेग है वो 5 सेंटीमीटर आई है, वो हमारे हाथ में नहीं था, बाय डिफॉल्ट वो 5 सेंटीमीटर ही आई है। ठीक है, इसी तरह जब दूसरे ट्राइंगल्स भी आप ड्रॉ करेंगे उसकी भी थर्ड लेग जो होगी वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो आप मेजर करके इसी तरह थर्ड लेग लिख देंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो हमने स्टार्टिंग 3 कॉलम्स को इसी तरह फिल करना है मेजर करके। आगे के जो थर्ड कॉलम्स है वो देख सकते हैं वो किस चीज के हैं, स्क्वायर के हैं। स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने को कहते हैं स्क्वायर करना। हमें तीनों लेग्स के जो भी मेजरमेंट्स हों उनका स्क्वायर करना है। तो हमारे पास फर्स्ट लेग का स्क्वायर चाहिए, तो फर्स्ट लेग हमारे पास थी 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यस 3 times 3 विच इक्वल्स 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9। सेकेंड, इसी तरह हमें थर्ड लेग का, सेकेंड लेग का स्क्वायर करना है, हाइट का स्क्वायर करना है, वो 4 सेंटीमीटर के बराबर थी और 4 सेंटीमीटर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 16, बिकॉज 4 times 4 equals 16। सिमिलरली वी आर मूविंग टू द थर्ड लेग जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका आंसर स्क्वायर करने पर आएगा 25, सही है। सो अब हमने इन तीनों, पहले हमने तीनों लेग्स की मेजरमेंट्स को फाइंड किया और उसके बाद इन तीनों लेग्स की मेजरमेंट के स्क्वायर्स निकाले। ठीक है, यहां तक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इस टेबल के अंदर आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस कॉलन के लास्ट कॉलन की तरफ। एक आखिरी कॉलन है हमारे पास और उसमें क्या लिखा हुआ है, लेग 1 स्क्वायर्ड प्लस लेग 2 स्क्वायर्ड, मतलब लेग 1 का स्क्वायर कीजिए और लेग 2 का स्क्वायर कीजिए और उन दोनों के आंसर्स को प्लस कर दीजिए। ठीक है, सो लेग 1 और लेग 2 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेग 1 के स्क्वायर का आंसर क्या आया था, 9 और लेग 2 के स्क्वायर का आंसर आया था 16। हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो हम इन दोनों को लेके प्लस कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा 25। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये काम करना है, इसी तरह पूरा टेबल आपको फिल आउट करना है। यहाँ पे आप थर्ड लेग की मेजरमेंट लिखेंगे, टेबल में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेग लिख के दे दी है क्योंकि सवाल में ही मेंशन था, बेस एंड हाइट तीनों ट्राइंगल्स की आपको यहां से मिल जाएंगी, सही है। थर्ड लेग जब आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे तो आपको थर्ड लेग का पता चल जाएगा कि थर्ड लेग की मेजरमेंट क्या आ रही है बाय डिफॉल्ट,
हमने सवाल में दी ही नहीं। आप जब भी ट्राइंगल बनाएंगे इस बेट और इस बेस और इस हाइट के साथ, तो हमेशा थर्ड लेग इसी मेजरमेंट की आएगी जो आप यहां मेंशन करेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो ये निकालने के बाद आप तीनों मेजरमेंट के स्क्वायर्स निकालेंगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद लेग वन के स्क्वायर और लेग टू के स्क्वायर को आप प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है और उनके बाद आपको सवालात को देखना है। थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जर्व द टेबल, इस टेबल को आपको ऑब्जर्व करना है। फाइंड द रिलेशन अमंग द लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स। जब आप देखेंगे कि लेग्स के स्क्वायर्स का और आपस में कोई रिलेशन नजर आ रहा है, जस्ट मैं आपको हिंट के तौर पे देता हूं कि आप देखें कि आपको ये तमाम वैल्यूज नजर आ रही हैं, क्या आपको किसी भी कॉलम की वैल्यूज सेम नजर आ रही हैं। अगर वैल्यू सेम नजर आ रही हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल की तीनों लेग्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आपको वही ऑब्जर्व करना है इस टेबल को फिल करने के बाद कि कौन से दो कॉलम्स हैं जो सेम आ रहे हैं, और वो हमेशा फिर सेम आएंगे क्योंकि हमने तीन अलग अलग ट्रायंगल्स पे वो चीज ट्राई की और वो सब पे ही सेम आ रहे हैं। तो ये चीज ऑब्जर्व करने के बाद आप यहां लिखेंगे कि आपको क्या चीज सेम नजर आई है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, और वो क्या रिलेशन है जो आप देख पाए हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, और जब आप वो चीज देख लेंगे तो वही रिलेशन आप यूज करेंगे, और उसके बाद आप ये मैंने दो और ट्रायंगल्स दिए हैं जिसके अंदर आपके पास एक की बेस है 7 सेंटीमीटर और दूसरे की और हाइट है 24 सेंटीमीटर, और दूसरा ट्रायंगल है जिसकी बेस है 21 सेंटीमीटर और हाइट है 29 सेंटीमीटर। तो अब आप कहेंगे सर ये इतने बड़े नंबर्स हैं, इनको ड्रॉ कौन करेगा। वेल, आपको ड्रॉ नहीं करना, जब आप इस रिलेशन को देख लेंगे कि ट्रायंगल्स के साइड्स के आपस में क्या रिलेशन है, तो जब आपको उस ट्रायंगल की दो लेग्स का वैल्यूज गिवन होगी तो ऑटोमेटिकली आप उस रिलेशन को यूज करके जो आपने ऑब्जर्व किया है उस रिलेशन को यूज करके आप थर्ड लेग की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही काम आपको करना है, और जाहिर है कि अब आप जब कर लेंगे तो उसके लिए अगर आपको फर्दर कोई स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है या स्क्वायर निकालना पड़ता है तो आप उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इस असाइनमेंट है, बहुत एक्सप्लोर करेंगे, एक अच्छी चीज आपके सामने आएगी। आई होप कि आप उम्मीद है इसको एंजॉय करेंगे। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवा दूं कि पहले आपको तीन ट्राइंगल्स बनाने हैं, उसके लिए बेस और हाइट आप स्केल से मेजर करके बनाएंगे, और थर्ड लेग जो भी आ रही होगी वो आप स्केल से जस्ट विदाउट मेजरिंग उसकी लाइन खींच देंगे। उसके बाद आप ये टेबल फिल करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लेग की वैल्यू सवाल में गिवन है, ड्रॉ करने के बाद आपको थर्ड लेग मिल जाएगा, तो ये तीनों कॉलम्स इजीली फिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आगे के जो तीन कॉलम्स हैं वो इन्हीं तीन कॉलम्स के स्क्वायर्ड हैं, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट कॉलम में आपको फर्स्ट लेग का स्क्वायर और सेकेंड लेग के स्क्वायर का सम करके लिखना है। ठीक है, तो ये टेबल फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको रिलेशन देखना है कि लेग्स के दरमियान कोई रिलेशन इमर्ज हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद उस रिलेशन को आपको यूज करना है, और ये जो दो ट्रायंगल्स गिवन है इनकी थर्ड लेग जो होगी उसकी वैल्यू को, उसकी मेजरमेंट को आपको फाइंड करना है। सो आई होप कि आपको ये असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। सो प्लीज असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा और अपना तमाम वर्क ड्यू डेट से पहले जरूर सबमिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।